सुबह सुबह जो आज बर्थ है कि मामी के कि फोन तू कब देने वाला है और आपको ना मामी जी सब्जी काट रहे हैं ना कड़म की, आपको ना पता चल ही गया होगा कि आज क्या बनने वाला है। बिल्कुल सही भाई, आज बनने वाला है चावल की रोटी, मक्की की रोटी प्लस साग बनने वाला है। वही साग अभी मामी जी काट रहे हैं और सुबह सुबह मामी जी ना मुझे याद करवा रहे थे कि तू फोन कब देने वाला है, या फिर तूने झूठ बोला हुआ है। डोंट वरी, संडे से पहले पहले ना मामी जी को फ़ोन देने वाला हूँ, क्योंकि जो अपने वाला फ़ोन है ना मैं लक्की को दे दूंगा और लक्की के पास जो फ़ोन है ना अभी 6-7 महीने हुआ है लिए हुए, वो मामी जी को दे देंगे। एंड जो पहला पुराना वाला है ना वो 3 साल पुराना भी है, बट इतना है कि ओप्पो के फ़ोन ख़राब नहीं होते, पर पुराना फ़ोन क्यों देना, उसके ऊपर 10,000 रुपया खर्च होगा खामोखा। तो इससे अच्छा कि मैं अपने वाला लक्की को दूंगा और लक्की का जो 6 महीने पुराना फ़ोन है ना वो मामी जी को दे देंगे, सही है ना। तो हेलो इंडिया, सुप्रभात, की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत शहर जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। एंड सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है और भाई जी सफेदी करने वाले आ चुके हैं, बस अभी उन्हें चाय लेके भी जाना है। हाँ जी, बस आ रहा हूँ। मामी ने ना सुबह सुबह चावल वाली रोटी और साग बनाया है ना, वो तैयार भी हो चुका है, बस अभी नहाने की दे रही है। एंड चाय के साथ ना चाय, साग एंड वो टोडे, मतलब चावल की रोटी खाने में क्या मज़ा आएगा। चलो भाई चेकआउट करते हैं आज कितनी सफ़ेदी हो चुकी है एंड कितनी दिहाड़ियाँ हो चुकी है, मुझे पता नहीं है ना, वैसे ना मुझे लग रहा है आज ना 3री वाली दिहाड़ी है। लकी कितने दिन हुआ आज? हाँ तीसरा दिन है, और भाई तीसरा दिन है, शायद संडे को शुरू करा होगा। संडे को लकी भी था, अंशु भी था, और भाई बाप रे बहुत ज़्यादा हो चुकी है ये, आवाज़ कहाँ से आ रही है। ओके, तो भाई ऑलमोस्ट ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर वाली साइड जो मुश्किल वाला एरिया होता है ना वो सारा निकल चुका है, अभी बचा है नीचे वाली साइड। मतलब नीचे वाली साइड ना आज मैं भी लगने वाला हूँ, लकी भी है प्लस वो बाईजी भी हैं, तो मुझे लग रहा है ना मतलब दोपहर तक हम निकाल देंगे खाना खाने के बाद, मतलब शाम को ना ये बाहर वाली वो जाएगी शायद, आज कुछ ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसे रगड़ने में, मैंने आपको बताया था ना कल कितना सारा सीमेंट लगा हुआ है, और ये सीमेंट उतारने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भाई स्नान कर लिया है, सोने मुंडे बन गया, अभी टाइम हो चुका है वो गर्मा गर्म मक्की की रोटी के साथ। भाई कहीं भी चले जाओ ना वैसे वाली रोटी ऑर्डर भी करोगे ना बड़ी कम मिलती है, मिल जाती होगी शायद कहीं ना कहीं एक कोने में। चलो भाई यहाँ पे मामा जी ने खा भी लिया और ताज़ा ताज़ा बन भी रही है भाई। एंड सबसे मेन पार्ट पता क्या रहता है इसके बीच ना, धनिया डाल के थोड़ी मिर्ची नमक डाल के जो टेस्ट आता है ना सची यार, ये देखो भाई मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार दिखाई है कि भाई आपके मुंह में भी पानी आए, और आप भी चावल लेके ना इसका आटा बना के लेके आओ। मुझे बताए सभी को नहीं मिलेगी शहरों में, मक्की की रोटी तो मिल जाएगी, चावल की बड़ी कम मिलती है ना। ठीक है यार, नहीं मिल जो चीज़ ना मिले ना उसे देख के काम चलाओ, खाओ फिर। मामी बन गई है चाय, और दिख रहा है ना राजमा, तो रात वाले है ना फिर किसी दिन गैस ने आपको सरप्राइज दे देना है। जी आ चुका है भाई सरसों का साग, चाय एंड टोडे, चावल के टोडे। लेकिन भैया तू भी खा ले जल्दी जल्दी, सारे डिब्बे लेके कहाँ जा रहा है तू? ये चीज़ें हैं भाई जो घर से ना बाहर निकलने नहीं देती है। भाई अभी ना मासी जी को ना मैं उनका गाना सुनाने वाला हूँ, कंडीशन ये है कि मासी जी का नाम है पुष्पा, अभी आप समझ गए होंगे कौन सा गाना प्ले होने वाला है। एंड मासी जी के पैर को ना सांप ने ना फूक मारी है, हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं कि सांप ने फूक मारी है, फिर वो पैर ना पूरा सूज जाता है, अगर टाइम पर इलाज नहीं करो तो वहाँ से कट करना पड़ता है, पर मासी जी ने इलाज करा हुआ है, अभी ठीक हो चुका है ना मासी? अच्छी फिर से ख़राब हो गया, हे भगवान। तो अभी मासी जी को ना, जैसे मासी जी का नाम पुष्पा है ना,
तो मासी जी को उनका गाना सुनाने वाला हूँ। सुनो मासी। ये बोल रहा है पुष्पा 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 राज। तो मासी जी का गाना हो गया है। ओ परावा पैर मत छूना। और आपको पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लॉग बने और राजू करेक्टर उसके बीच में ना आए। और राजू भैया। राधे राधे जी। कितने पैसे लाने हैं? 10 ब्याह को वैसे ना तेरा मेरा ब्याह है। राजू ने जय अफवाह ना सारे गांव में फैलाई हुई है कि अंकु ना सवेदी कर रहा है, उसकी शादी है। राधे राधे जी। 10 रुपए चाहिए? 10 रुपए मेरी पेंट बिच है, लेके आऊं? ले आ। ठीक है, बड़क मार दे पहले जोर से, जोर से। भाभी ने क्या बनाया हुआ है? राजमा। सवेरे सवेरे क्या बनाया हुआ है भाभी ने? आलू मटर। आलू मटर सवेरे सवेरे ही? तो करना क्या है? फुलके हाँ लेके आ रहा हूँ भरावा, आ रहा हूँ। चलो भाई आज ना राजू की जनरल नॉलेज चेक करते हैं कि इसमें से ना 10 वाला कौन सा है। देखो दिख रहा है ना, देख लिया आपने नोट कौन कौन सा है, आपको पता चल गया होगा। और अभी राजू की, राजू इनमें से 10 वाला कौन सा नोट है, बड़ा कौन सा नोट है? ये वाला। ये बड़ा है? हाँ। कितने पैसे आओ? ये 20 रुपये है। और ये कितने हैं? 100 रुपये। ये कितने हैं? 10 रुपये। और वो कितने हैं? 100 रुपये। वो 100 रुपये है, 10 रुपये है। तो एक तो वापस दे, वो वाला दे पागल। वो 200 वाला है। अब शामी देना है, शामी फ्रूटी लेने जाना है ना भरावा। तू तो सीरियस ले गया राजू। राजू बाद बेच देना है। नहीं मलेगा। क्या पिएगा उसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई आज के बाद ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करने नहीं है। मैंने सोचा राजू ना एक उठाएगा दोनों में से, दोनों उठा के ना जेब में डालिए और बोल रहा है मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। अब इसके फेफड़े ना लंग्स ना पूरे जाम हो चुके हैं, खट्टर खट्टर की आवाज़ आती है। और ये देखो नानू जी पत्ते शत्ते लेके भी आ गए। नानू बरखा नहीं आनी है इस साल। हाँ बरखा नहीं आनी है इस साल। क्लासी मुक्की। नानू बोला क्लासी मुक्की मतलब टेंशन ही खत्म है, नहीं आनी है तो नहीं आए। चलो भाई खाना पीना हो चुका है, रेस्ट भी कर ली है, अभी चलते हैं दिहाड़ी लगाना शुरू करते हैं सफ़ेदी करने की। सही है ना? ऐसे लक्की ना वो साफ करता रहता है, वो साफ ना मैं खुद करूँगा, लक्की अभी सफ़ेदी करेगा। ओ बसो वार दिल हो गया। और भाई ये ना पूरी वाइट भी नहीं है, इसमें ना थोड़ा सा ना वो कलर डाला हुआ है, मतलब नील। हाँ नील डाला हुआ है, मतलब दिख रहा है ना थोड़ा ब्लू ब्लू आ रहा है ना, नीला नीला शेड आ रहा है ना, बिल्कुल वाइट भी सही नहीं रहती है। बाद में मतलब कलर करेंगे ना, पेंट करेंगे ना, तब भी कोई भी रूम ना वाइट नहीं करना है, मतलब उसमें ना जब क्रीम कलर बना लेना है, बहुत सारे टेक्सचर होते हैं, बिल्कुल वाइट भी सही नहीं रहता। या फिर ऐसा थोड़ा बहुत ब्लू वाली शेड बन जाए ना, वो भी बढ़िया रहती है। और लक्की ना भाई जी के साथ इसलिए लगाया हुआ है कि बार बार ना सफ़ेदी करनी मतलब कलर करना पड़ता है, अभी इधर करना है फिर बाद में उधर भी करना पड़े तो उधर ना लक्की खुद भी कर सकता है, मतलब अभी ना सीख रहा है लक्की, ऐसा बोल सकते हैं। आईफोन मिल जाए इसलिए कर रहा है वो, तो मैं बहाना मार रहा हूँ कि काम सीख रहा है, उसे आईफोन चाहिए, मेरा वाला इसलिए लगा हुआ है। मामी ना इस वाले डिब्बे की तारीफ कर रहे हैं, पहले आप चेकआउट कर रहे हैं कौन सा डिब्बा है, अभी आप समझ गए होंगे। आपको ना डोगरी समझ नहीं आएगी, मामी जी भी सफेदी करवाने वाले हैं, कलर करवाने वाले हैं, उसी का बार्गेनिंग हो रही है कि 600 रुपया नहीं तो 500 रुपया ले लियो, तू गाँव का है इसलिए। और भाई वो वाला डिब्बा है ना, वो हमारे गांव में ना म्यूनसिपलिटी वालों ने लगाए थे कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत, मतलब जहाँ भी हमने ढेर लगाए हुए ना कूड़े के वहाँ पे लगा दिए, एंड लोगों ने कचरा डाला भर के बाद में, एंड खाली करने के लिए कोई आता नहीं है गांव वाली साइड। मामा ने पता नहीं कहाँ से निकाला, बड़ा सही काम दे रहा है भाई। एक चीज़ है गवर्नमेंट वाली चीज़ है ना, थोड़ी क्वालिटी अच्छी है उसकी।
जरूर जरूर भाई, किसी महान बंदे ने बोला कि आप ना जितनी मर्जी तीर्थ यात्राएं कर लो, जग कर लो, मतलब तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप ना जीप के प्रति दया ना दिखाओ। तो वो वाली चीज़ ना मैं बड़ी डीपली फॉलो करता हूँ भाई। अपने मवेशियों को ना टाइम पे घास मूस पानी शानी, मतलब जब तक मैं घर पे हूँ ना, मैं तो दो दो बार पानी शानी भी पिलाता हूँ। इवन कि मैंने आपको बोला था ना, मैं तो गौशाला खोलने के लिए रेडी था, बट उसके लिए इतना ज़्यादा बजट नहीं है। फिर मैंने बोला 4 लाख व्यूज़ आ जाए ना पर डे, फिर मैं मई से खोल दूंगा। क्योंकि सर्दियों में ना बहुत सारी गाय ना, मतलब बहुत सारे मवेशी ना गाड़ियों से टकरा जाते हैं, और उनके लिए कोई जगह तो है नहीं है। खेतों वाली साइड जाएँ तो लोग डंडे मारते हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी फसल लगाई है। मतलब सभी जगह ना इंसानों ने ऑक्यूपाई कर लिया, उनके लिए जगह ही नहीं है। फिर वो रोड वाली साइड चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई मारता नहीं है। पर वहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही है कि वो गाड़ी से टकरा जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो ज़िंदगी जा सकती है, या फिर कोई शरीर का अंग टूट जाएगा। वही मैंने सोचा था, बट चलो देखते हैं कान्हा जी कब दया करते हैं भाई। और पीना पानी है, इधर कुछ और ही चल रहा है पीछे। चलो अभी मैं पानी पिलाता हूँ बशिया को भाई। पियो पियो ठंडा पानी। अंकुश भाई भी उतर चुका है सफेदी करने के लिए, और मैंने बोला था ना मासी जी आएंगे इंसेप्शन करने के लिए। पूरा अंदर इंसेप्शन हो रहा है कि कहीं पे ख़राब तो नहीं हुआ, कितनी दिहाड़ियाँ लगने वाली है, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहे सारे। और अंकुश वीडियो में बोलता है तू काम क्यों नहीं करता। कर रहा हूँ मासी, कल तक मेहमान था ना भाई, कल मैं यात्रा करके आया थक गया था, आज देखो मैं फील्ड में आ चुका हूँ, पर हो ही नहीं रही ढंग से मासी। ऐसे देखो अभी थोड़ी गलतियां करूंगा ना, उसके बाद अपने आप से ही होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो मैंने नीचे भी कितना सारा बिखेरा हुआ है, दिख रहा है ना, और आहिस्ता आहिस्ता भी मैं बिखेरना कम कर दूंगा भाई। सही है ना, टाइम तो लगता है भाई सीखने में। हाँ जी, वही वही थकावट, शुरू शुरू ही थकावट हुई आ रही, वही मैं सोच रहा इतना आलसी हो गया भाई जी। सही बोल रहे हैं कि भाई अभी मैं काम करना शुरू कर रहा है तो पहले थकावट होना शुरू हो चुकी है। भाई जी बोले कि नया बंदा हो ना, मतलब उसे ना थकान होना शुरू हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि बार बार सेम काम करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट कर सकते हैं, बाद में थक जाता है बंदा यार। चलो ठीक है, जब तक काम 2 दिन लगेंगे फिर मैं भी ट्रेन हो जाऊँगा पूरा। भाई सही है, मासी जी का ना जो मैंने फेरी हुई है और जो मासी ने फेरी है ना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मतलब मासी वाली सही है यार, मतलब मेरा ध्यान ना पूरा कैमरे की तरफ था, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो मैं भी अच्छी फेर लेता। जी बोल रहा है ना लास्ट में, नहीं मासी ने सही करी है यार, मतलब मेरे थोड़े दाग धब्बे पता नहीं क्यों आया है। तो भाई आप जाके फ्री हुआ हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला काम करा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करा है। अभी चाय वाली ब्रेक आ चुकी है भाई, इतना ज़्यादा काम करा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला करा है। और अभी मामा जी ने कॉल भी करा है कि भाई पत्ते काटे हुए हैं लेने के लिए आ था,
एंड हाथों को ना शॉर्टली पड़ना शुरू हो चुके हैं काफ़ी टाइम के बाद ना, वो गहनती होती है ना वो उठाई है मैंने भाई, दिख रहा हाथों की दूरदर्शा ही चेंज होगी भाई। चलो भाई चाय शाय पीते हैं देन देखते हैं। लक्की को बेच देता पत्ते लाने के लिए, बट लक्की लगा यहाँ पे काम पे, क्योंकि यहाँ पे ना एक बंदे साथ में चाहिए स्पोर्ट्स सीढ़ी पकड़ने के लिए। सीढ़ी है ऊपर, चलो सीढ़ी है ऊपर भाई। भाई चाय पीने से पहले मैं आपको बता रहा था ना, एक बड़ा महान काम कर रहा है जिसकी वजह से ना हाथों पे छाले पड़ गए, एंड वो महान काम जे वाला है सामने भाई। जे वाली जगह ना बड़ी ख़राब सी थी यहाँ पे, एंड कितनी सारी जगह मैंने अभी मतलब तैयार करी है, दिख रहे हैं ना पूरी भाई, कैमरे में थोड़ी दिख रही होगी बट देखो वहाँ तक सारा मतलब एक पहाड़ टाइप बना हुआ था यहाँ पे, एंड यहाँ पे ना सिर्फ घास ही उगता था भाई। मैंने सोचा क्यों ना इसे ठीक किया जाए और यहाँ पे सब्जी लगाने के लायक बनाया जाए। पता नहीं चल रहा था, बड़ा सामान रखा है यहाँ पे किसी ने, सामान जी मोहब्बत तो एक बहाना है। ओके तो एक एंड भाई पत्ते वाला काम भी खत्म हो चुका है और घर ना अभी थोड़ा अंदर से ना इसे शाइन करना शुरू कर रहा है ना। चलो अभी तो सिंगल कोट करा हुआ है, अभी एक बार और सफ़ेदी करनी है, अभी बाहर तो करा ही नहीं है, अभी मोंटी वाली साइड हो रहा है। चलो भाई एक बार अंदर जाके देख ही लें कि क्या चल रहा है, ऐसे है ना बताना और दिखाना बड़ा फ़र्क है। ओ भाई अंदर तो बहुत ज़्यादा लाइट लग रही है ना अभी, लो मोंटी वाली साइड चल रहा है भाई अभी, और जैसे क्योंकि ऊपर वाली साइड ना थोड़ा मुश्किल है, एक बंदा चाहिए सीढ़ी पकड़ने के लिए, वो वाला काम लकी भी है संभाल रहा है। भाई अभी आपको बताना, सर्दी आने वाली है और जैसे पिछले साल मैं राजू भाई और नानू जी जो बार बार खेतों की ओर जाते हैं ना, आपको बताना सर्दियों में ना हम तीनों बंदे बैठ के ना काफ़ी ज़्यादा आग तापते हैं भाई, और वो वाला सीज़न अभी शुरू हो चुका है क्योंकि मुंबई वाली साइड काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है ना, दिल्ली वाली साइड बारिश हुई है, कश्मीर वाली साइड स्नोफॉल हुआ हैवी वाला, और हम ठहरे सेंटर में, ठंड होना तो लाजमी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ मतलब ठंड हो चुकी है। ले मैं और राजू भाई ने आग जला दी भाई, मैं इसे तापेंगे है ना राजू, अरे ठंड हुई है ना, ठंड हुई है ना, ठंड लग गई थी नहीं, दे दस रुपये मुझे बता आप जी वाला डायलॉग ना मिस कर रहे होंगे कि दे दस रुपये उसने बोल दिया। Thank you.